आज है आरएमसी मैथ्स कॉन्सेप्ट सीरीज़ का डे 12 और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चंस आरएमसी में प्रॉफिट एंड लॉस से आपसे पूछे गए। और हर साल आप लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, यू विल फाइंड कि प्रॉफिट एंड लॉस से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सीरीज़ लेकर आएँ ताकि सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ को हम कवर कर सकें। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में दो टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट की वैल्यू आती है द डिफरेंस ऑफ एसपी एंड सीपी। ओके, लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो डेफिनेटली लॉस होगा और वो लॉस होगा द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ना, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, ध्यान देखना कि प्रॉफिट में एसपी बड़ा है, प्रॉफिट तभी होगा जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तभी हमने एसपी माइनस सीपी किया। लॉस तभी होगा जब सीपी ग्रेटर होगा एसपी से, तभी हमने सीपी माइनस एसपी किया। ठीक है, तो ये चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है ही हैं। उसके अलावा मैं बच्चों से कहता हूँ कि कभी आपसे अगर प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए तो इट इज़ नथिंग बट प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो सीपी हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, सीपी से ही आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना, सो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इन द सेम वे लॉस परसेंट इज अगेन परसेंटेज निकालते हैं तो फ्रैक्शन इंटू 100 करते हैं, वो फ्रैक्शन यहाँ पर फिर से लॉस अपॉन सीपी होगा इंटू 100। ठीक है, वहाँ पर प्रॉफिट अपॉन सीपी, यहाँ लॉस अपॉन सीपी। ओके, अच्छा, इसके अलावा दो फॉर्मूलेज और इंपॉर्टेंट है। मैं किस तरीके से समझाता हूँ, मैं कहता हूँ एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी। ठीक है, गेन के केस में 100 प्लस गेन अपॉन 100 हम लोग करते हैं, और एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी लॉस के केस में 100 माइनस लॉस अपॉन 100। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है, डिटेल्ड वीडियो आप मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का देख सकते हैं। तो अगर आपको इतने फॉर्मुलेज प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में आते हैं और इनको बड़े लॉजिकली मैंने समझाया है फुल फ्लेज्ड वीडियोस में, आप ज़रूर देखिएगा, तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। एक आरएमसी का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ज़रा इस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इस क्वेश्चन में आपको दिया है बाय सेलिंग 90 बॉल पेन्स फॉर रुपीज़ 160। इसका मतलब व्हाट इज़ गिवन टू यू, आपको एसपी ऑफ 90 बॉल पेन्स दिया है। 90 बॉल पेन्स का एसपी आपको कितना दिया है, 160 रुपीस। तो 90 बॉल पेन्स को बेचने में आपको लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, 20% का लॉस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, वेन एवर एसपी और लॉस परसेंट इज गिवन टू यू, जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे ना, वही एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी। तो यहां पर मैं बोल देता हूँ एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी, लॉस का केस है तो 100 माइनस लॉस परसेंट एल से रिप्रेजेंट करता हूँ अपॉन 100। ठीक है, ये वो फॉर्मूला यहाँ पर काम आएगा। एसपी की वैल्यू यहाँ पर 160 है, इज इक्वल टू सीपी इनटू 100 माइनस लॉस करेंगे तो 100 माइनस 20 अपॉन 100, और यहाँ से सीपी की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट सीपी इज गोइंग टू बी सीपी ऑफ 90 बॉल पेन्स ओनली। ठीक है, क्योंकि आपने एसपी ऑफ 90 बॉल पेंस लिया तो सीपी ऑफ 90 बॉल पेंस आ जाएगा यहाँ से, और सीपी ऑफ 90 बॉल पेंस कितना आएगा, यहाँ पर आप देखो 82 टाइम्स, सो सीपी ऑफ 90 बॉल पेंस इज इक्वल टू 200 रुपीज। ठीक है, तो 90 बॉल पेंस आपने 200 रुपये में खरीदे और आपने बेचा उसे 160 में, तो डेफिनेटली तभी तो आपको लॉस हुआ 20% का। अब आपसे पूछा गया है हाउ मेनी बॉल पेंस शुड बी सोल्ड फॉर रुपीज 96 सो एज टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो पहले सीपी आ चुका है, प्रॉफिट ऑफ 20% के केस में एसपी निकाल लेते हैं। अगर 20% का मुझे प्रॉफिट चाहिए होता तो मेरा यहाँ पर एसपी ऑफ 90 बॉल पेन्स आता। एसपी ऑफ 90 बॉल पेन्स कितना आता, फिर से एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 200 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस गेन, तो 120 अपॉन 100 डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 20 से 20 कैंसिल, कितने, 240 रुपीस। अगर आप 200 रुपीस के बॉल पेन्स, 90 बॉल पेन्स अगर आप 240 में बेचते तब जाकर आपको 20% का प्रॉफिट आता। अब इसमें आपको नंबर ऑफ बॉल पेन्स कैलकुलेट करने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा यूनिटरी मेथड भी इसमें लगने वाला है। कॉन्सेप्ट तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पर सारा लग चुका है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूनिटरी मेथड का भी है। जो हम कॉन्सेप्ट सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें यूनिटरी मेथड भी मैंने कवर किया है, आप ज़रूर उस वीडियो को देखना। अब यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा गया कि कितनी बॉल पेन्स आप बेचेंगे फॉर रुपीज़ 96। ठीक है, अभी सारा 20% प्रॉफिट वाला ही केस है। अब आप खुद देखिए यहाँ पर कि अगर आप 240 रुपीज़, इफ़ 240 रुपीज़ इज़ द सेलिंग प्राइस, तो आप कितने, यहाँ पर मैं यूनिटरी मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, 240 रुपीज़ में आप 20% प्रॉफिट वाला केस है, 240 रुपीज़ में आप कितने बॉल पेंस बेच रहे हो, 90 बॉल पेंस।
आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने बॉल पेन्स बेचोगे 96 के, 240 के 90 बेच रहे हो तो 96 रुपीस के कितने बेचोगे, डेफिनेटली लेस, और लेस के केस में द फॉर्मूला बिकम्स लेस बाय मोर, तो 96 बाय 240 इनटू इंडिविजुअल वैल्यू 90 बॉल पेन्स, ठीक है। तो इसको जैसे सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ आपके लिए, सो इट्स गोइंग टू बी 6 से कर सकते हैं, 6 4 जा 40 टाइम्स, और ये आ जाएगा 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36, ओके। और फिर आपसे 8 से कर सकते हैं, 8 5 जा 40 एंड 8 2 जा, ठीक है, और इसको आप 5 से कर सकते हैं, 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा, सो 18 2 जा 36 बॉल पेंस इज द राइट आंसर, 36 बॉल पेंस, ठीक है। मतलब 240 रुपीज सेलिंग प्राइस वॉज देयर फॉर 90 बॉल पेन्स, तो 96 सेलिंग प्राइस विल बी देयर फॉर 36 बॉल पेन्स, ठीक है। यूनिटरी मेथड लगाएंगे फाइनली, और ये पूरा केस 20% प्रॉफिट का है, तो आपको 36 बॉल पेन्स अगर आप 96 रुपीज में बेचोगे तब भी आपको 20% ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ओके। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के साथ हमने यूनिटरी मेथड का भी यूज़ किया है, RIMC का ही ये सवाल है, ओके। और इसी तरीके के वीडियोस में आप ज़रूर बने रहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं क्लियर होंगे, और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताना, उससे काफ़ी मोटिवेशन हमें मिलता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट।